इस मूवी में एक लड़की झुककर अपने बॉयफ्रेंड को गुफा में घोड़ा दौड़ाने का मौका देती है। ये करते हुए उसे दो लोग देख लेते हैं और उसके आर्म को चूसने की कोशिश करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं जहां पर काफी सारे वर्कर काम कर रहे थे। फिर पेरिस नाम की लड़की उस कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाती है, वहां पर उसका बॉयफ्रेंड भी काम कर रहा था। इसके बाद वहां पर लंच टाइम हो जाता है और पेरिस भी उसी टाइम वहां पर पहुंच जाती है। फिर वो एक होल से अपने बॉयफ्रेंड को देखने लगती है। यहां पर पेरिस देखती है सभी वर्कर वहां पर लंच कर रहे थे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे ही खड़ा था और पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और फिर वहीं पर उसकी ठुकाई शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एक जैक नाम का वर्कर होल में से पेरिस के दोनों अनमोल रतन देखने लगता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। जैक का दूसरा फ्रेंड बिली अपने लंच को देखकर हैरान था और उनका तीसरा साथी सैम भी पेरिस के आर्म को देख लेता है। फिर वो भी जल्दी से वहाँ से उठकर चला जाता है, लेकिन बिली अभी भी अपने बर्गर को देखकर हैरान था। फिर वो दोनों जैसे ही दीवार के होल के पास पहुँचते हैं, तब तक पेरिस अपना काम खत्म करके वहाँ से चली जाती है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लिली नाम की बंदी होती है जिसे अलग अलग टाइप के पकवान बनाने का शौक था और वो बिली की वाइफ थी। बिली को इस तरीके का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बिली अपनी वाइफ के शौक से परेशान था और उसके दोनों दोस्त अपनी जिंदगी से परेशान थे। इन दोनों की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, जिस वजह से वो दोनों लड़कियों को देखकर एकदम पागल हो जाते थे। कुछ टाइम के बाद शाम हो जाती है। विली की वाइफ लिली आज भी एक नई डिश तैयार कर रही थी, तभी घर पर विली आ जाता है और वो लिली से आकर कहता है, तुमने आज लंच में फिर से एक नई डिश भेजी जिसे मैं बिल्कुल खा नहीं पाया। लेकिन विली की वाइफ उसकी बातों को अनसुना कर देती है। उसे नई नई डिश बनाने का शौक था, लेकिन विली को एक सिंपल खाना पसंद था, जिसकी वजह से इन दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। आज भी विली की वाइफ ने एक नई डिश बनाई थी, लेकिन विली उसे खाने से मना कर देता है। अगले दिन लंच में वो मार्केट से खरीद कर ब्रेड खाता है। इसी टाइम पेरिस भी अपने लवर से मिलने के लिए साइट पर आ जाती है। तभी विली का दोस्त सैम उसके पास आकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये मिशन फेल हो जाता है। फिर रात में बिली के घर पर फिर से एक नई डिश बनी थी। ये देखकर बिली गालियां देने लगता है और उसे खाने पर थूक देता है। लिली ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। फिर इन दोनों में झगड़ा काफी बढ़ जाता है और बिली गुस्से में आकर अपनी वाइफ को जान से मार देता है। बिली उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर रैप करके रख देता है। वो जानता था जब तक उसकी वाइफ की लाश पुलिस को नहीं मिलेगी तब तक वो सेफ है। काम खत्म करने के बाद वो टीवी देखने लगता है जहाँ पर एक क्राइम शो आ रहा था। उस क्राइम शो में एक पुलिस वाला बताता है, अक्सर क्रिमिनल खून करने के बाद लाश को खा जाते हैं जिससे पुलिस उन्हें कभी पकड़ ना सके। ये देखकर बिली भी लाश को खाने का फैसला करता है जिससे पुलिस उसे कभी पकड़ ना सके। अगले दिन लंच में वो उसे खा रहा था, तभी उसके दोस्त उससे आकर पूछते हैं, तुम क्या खा रहे हो? तभी विली कहता है, मैंने एक नई डिश बनाई है। बिली की बात सुनकर वो लोग भी उसे खाने की बात करते हैं। बिली उन्हें भी वो डिश खिलाता है। जब वो दोनों इस डिश को खाते हैं तब उन दोनों को वो डिश बहुत ही अच्छी लगती है और वो बिली की वाइफ के मांस से बनी हुई डिश थी। लेकिन जैक उससे कहता है, मुझे तुम्हारी डिश तो बहुत अच्छी लगी लेकिन तुमने पुराने मीट का इस्तेमाल किया है। तब बिली कहता है, अगली बार से मैं ताजे मांस का इस्तेमाल करूंगा। अगली रात को बिली एक बार में बैठा हुआ दारू पी रहा था, वहाँ पर एक जवान लेडी भी बैठी हुई थी। उसे देखकर बिली का खड़ा हो जाता है और फिर वो उसे अपने साथ घर पर लेकर आता है। घर आकर पहले वो उसे जान से मार देता है, फिर उसकी लाश के टुकड़े कर देता है। फिर बिली उसके मांस से डिश बनाता है। कुछ दिन के बाद बिली फिर से एक नई लड़की की तलाश में निकल पड़ता है। फिर उसकी नज़र एक कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट पर पड़ती है। ये आर्टिस्ट एक लड़की थी जो रोड के किनारे लोगों का एंटरटेनमेंट करके पैसा कमा रही थी। बिली पहले उसका मजाक उड़ाता है, फिर उससे कहता है, मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवा सकता हूँ। लड़की जल्दी ही उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ जाने लगती है। बिली उसे अपने साथ घर पर लेकर आता है और उसे भी जान से मारकर उसके टुकड़े कर देता है। फिर वो एक नई डिश बनाने लगता है, तभी अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। बिली के पास लिली की लाश के टुकड़े अभी भी थे। जैक ने जब से उसे ताजा मांस इस्तेमाल करने की सलाह दी थी तब से उसने लिली के मांस को हाथ भी नहीं लगाया था। अब वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करता है। तभी उसी टाइम उसके घर पर एक औरत आती है, उसका नाम ईबा था। ईबा लिली की छोटी बहन थी और लिली ने काफी टाइम से ईबा को कॉल नहीं किया था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आई थी। बिली कहता है लिली की तबीयत खराब है और वो किसी से मिलना नहीं चाहती, लेकिन ईबा उसकी बात नहीं सुनती और वो घर में घुस जाती है। वो हर जगह लिली को ढूंढने लगती है लेकिन लिली उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद बिली उससे कहता है, वो इस पुराने कमरे में सो रही है, तुम उसे दूर से देख सकती हो लेकिन उससे बात नहीं कर सकती। इसके बाद लिली उस कमरे में घुस जाती है और जैसे ही उसे हाथ लगाती उसे पता चल जाता है लिली की मौत हो चुकी है।
फिर बिली उसे पीछे से पकड़कर एक अलमारी में बंद कर देता है। इसके अगले दिन बिली एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। वो एक दिल का डॉक्टर था। डॉक्टर बिली से कहता है, तुम्हें हल्का फुल्का खाना चाहिए, भारी खाना तुम्हारी सेहत के लिए और दिल के लिए हानिकारक है, तुम्हारी उम्र हो चुकी है। तभी वहाँ पर उस डॉक्टर की जवान नर्स आ जाती है। बिली जैसे ही उसे देखता है उसकी भूख बढ़ जाती है। एक तरफ डॉक्टर उसे हल्का खाना खाने के लिए सलाह दे रहा था और बिली नर्स को देखकर उसके मास्क के बारे में सोचने लगता है। जब वो घर पर आता है तब उसे पता चलता है उसके पड़ोस में एक नैन्सी नाम की लड़की रहने के लिए आई है। उसकी बढ़ती जवानी देखकर बिली की आंखों में चमक आ जाती है और वो उसके गोरे बदन को देखने लगता है। इसके बाद एक दिन बिली अपना काम खत्म करके साइड से वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक जवान लड़की लिफ्ट मांगती है। बिली अपनी गाड़ी रोकता है और उस लड़की को देखते ही बूढ़ा शिकारी जाग जाता है। बिली उसे अपने घर लाता है और उसे कहता है, मैं अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ, इसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। फिर वो अपने हथियार लेकर उसे भी जान से मार देता है और उसके टुकड़े कर देता है। अगले दिन जब वो अपने काम पर जा रहा था तब उसकी नज़र फिर से नैन्सी पर पड़ती है। उसके गोरे बदन को देखकर पागल हो रहा था। फिर वो अपने आप को शांत करता है और कुछ सोचने के बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पूरे दिन काम खत्म करने के बाद जब वो लोग घर जाने लगते हैं तभी बिली के दोनों दोस्त उसे रोक लेते हैं। वो लोग आज एक पार्टी में जा रहे थे, वो अपने साथ बिली को भी लेकर जाना चाहते थे। ये पार्टी आज रात को थी। बिली पहले तो मना करता है लेकिन उन दोनों के फोर्स करने पर वो मान जाता है। जैक और सैम कहते हैं, हम आज रात को तुम्हारे घर पर आएंगे, फिर साथ में तीनों पार्टी में चलेंगे। कुछ टाइम के बाद रात हो जाती है और इस बार बिली नैन्सी के टुकड़े कर रहा था। तभी उसके दोनों दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं और वो दोनों जैसे ही घर के अंदर आते हैं बिली जमीन पर पड़ा हुआ था। वो दोनों समझ जाते हैं कि बिली को दिल का दौरा पड़ा होगा जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो मशीन की तरफ देखते हैं जो लगातार आवाज कर रही थी। वो दोनों जैसे ही उस मशीन को ओपन करते हैं तब अंदर का नजारा देखकर दोनों हिल जाते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं बिली एक आदमखोर था और काफी दिनों से उन्हें भी इंसानी मांस खिला रहा था। बिली की मौत हार्ट अटैक से हुई थी क्योंकि उसने डॉक्टर की बात नहीं मानी थी और वो लगातार भारी खाना खा रहा था। कुछ दिन के बाद बिली के रिश्तेदार उस घर को सेल पर लगा देते हैं। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तब उन्हें एक अलमारी से ईवा मिल जाती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।